इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। एस्टालिन एक एक सिरप को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधि के अनुसार भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जाता है। डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रति आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगी। डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधि तक इस दवा का सेवन जारी रखें। अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षण वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। अपनी हेल्थ केयर टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि वह दवाएं इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती हैं। इसके सबसे आम साइड इफेक्ट में चली आना, डायरिया, दस्त, पेट में दर्द, उल्टी, मांसपेशियों में क्रैम्प, सिर दर्द, त्वचा पर रैश और हृदय गति बढ़ना है। इनमें से अधिकांश अस्थायी होते हैं और आमतौर पर समय के साथ सही हो जाते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। इस दवा से नींद आ सकती है, इसलिए जब तक आप यह ना जान लें कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है, तब तक ड्राइव या ऐसा कोई काम ना करें जिसके लिए मानसिक फोकस की जरूरत होती है। यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें, क्योंकि इससे अधिक नींद आ सकती है। सेल्फ मेडिकेशन का समर्थन न करें या किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी दवा का सुझाव न दें। यह दवा लेते समय बहुत सारे फ्लूइड्स लेना फायदेमंद है। यदि आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तनपान कराती हैं तो इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं। अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है तो भी आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए ताकि डॉक्टर आपके लिए उपयुक्त खुराक पर्ची पर लिख सके। एस्टालिन एक सिरप के लाभ। बलगम वाली खांसी का इलाज। एस्टालिन एक एक सिरप बलगम वाली खांसी से राहत पहुंचाने में असरदार है। यह गाढ़े बलगम को पतला करने में मदद करता है, जिससे खांसी को दूर करना आसान हो जाता है। इससे सांस लेना आसान हो जाता है और खांसी कम आती है। एस्टालिन एक एक सिरप एलर्जी के लक्षणों जैसे कि आंखों से पानी आना, छींक आना, नाक बहना और गले में जलन होना आदि से भी राहत देगा। बीमारी के लक्षणों से आराम के लिए दवा के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और गर्म नमकीन पानी के साथ गरारे करें। एस्टालिन एक एक सिरप के साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। एस्टालिन एक एक्स के सामान्य साइड इफेक्ट। मिचली आना, उल्टी, डायरिया, दस्त, पेट खराब होना, पेट में दर्द, एलर्जिक रिएक्शन, चक्कर आना, सिर दर्द, रैश, हाइव्स, झटके लगना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, मांसपेशियों में क्रैम्प, हृदय गति बढ़ना। एस्टालिन एक एक सिरप का इस्तेमाल कैसे करें? इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इस्तेमाल करने के पहले लेवल की जांच कर लें। इसे मापने वाले कप से मापें और फिर पिएं। इस्तेमाल करने के पहले अच्छी तरह से हिलाएं। एस्टालिन एक एक सिरप को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक तय समय पर लिया जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।